महिला सशक्तिकरण को लेकर न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश में लगातार कई क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक कदम उठाया गया जिसे नाम दिया गया उज्ज्वला योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के तहत आज लाखों गरीब महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही है। इस योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके चलते महिलाएं अब कम समय में स्वादिष्ट भोजन पका पा रही है। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के बाद से उनके जीवन स्तर और स्वास्थ्य में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। महिलाओं को समृद्ध बनाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करने और रोगों से बचाव के उद्देश्य से केंद्र सरकार लेकर आई है उज्ज्वला योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब महिलाओं के दर्द को समझते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ ही हर गरीब महिला के घर में रसोई गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने का सपना संजोया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी है। आज मुख्यमंत्री की मंशा और सपने के अनुरूप प्रदेश की लाखों गरीब महिलाएं निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन पाकर उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही है। मामा की अपने प्रति इस उदारता को देखते हुए महिलाएं बार बार अपने मामा शिवराज सिंह को धन्यवाद कहते नहीं थकती। उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही महिलाओं की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपको अब 450 रुपए में मिलने जा रही है, उसको लेके आप क्या सोचती हैं? उससे खुशी है, हम उनको लेना चाहेंगे, घरवाल लेते हैं, बचत भी हो रही है, चूल्हे पे खाना बनाते वो भी अब गैस पे ही बनाएंगे और 2 पैसा की बचत भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने जो योजना लागू की है 450 रुपए रसोई गैस की देने के लिए, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा सरकार बनाना चाहेंगे और हर बार भी बने सरकार भैया जी। तो 1200 की आ रही थी, 450 रुपए की बचत भी होगी उसमें। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहते हैं भैया, भगवान सुखी रखे, अच्छे रखे, हमें बहुत लाभ दिया उन्होंने।